शक्तिशाली है, क्योंकि तुमने अब हमें उस आत्मा से यही बचा सकती हैं। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्गवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे। संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्गवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी
आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है। लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई
और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मायावती के रूप में होंगे। संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मायावती के रूप में होंगे। संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की
अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्गवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्गवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं।
सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई दो की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी, लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई दो की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी।
इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य हो गए, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मायानवती के रूप में होंगे। संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला की भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना
मंदनिनी मयान्यवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई दो की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए जो कि हेमा के पति और शालू के पिता जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है। लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है जो कि एक चोर होंगे जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयान्यवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई दो की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए।
इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नजर डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मायावती के रूप में होंगे। संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नजर डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मायावती के रूप में होंगे। संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था।
आज मैं आपको अरन माई थ्री मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरन माई थ्री को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है। लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरन माई और अरन माई दो की सफलता के बाद अरन माई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरन माई थ्री मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरन माई थ्री को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है। लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है।
सिग्मनी के रूप में विवेक है जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मायावती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्गवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मायावती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्गवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई।
कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे। संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे। संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स
इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज़ किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है। लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है।
लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिगवंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिगवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है। लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिगवंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिगवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस
भी शामिल थी, लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य हो गए, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयान्यवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी, लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयान्यवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि
शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयान्यवती के रूप में होंगे। संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है।
आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नजर डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी, लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नजर डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा।
फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्गवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे। संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्गवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है।
अभिषेक के रूप में योगी बाबू है जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयान्यवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है। लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयान्यवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली।
फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नजर डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे। संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नजर डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे। संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म
का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज़ किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है। लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है। लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा
राजशेखर की दिगवंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मायावती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिगवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिगवंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मायावती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिगवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई
और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य हो गए, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की
अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई दो की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्गवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है। लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई दो की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्गवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं।
सर्वनन के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वनन की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी।
इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर, एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी, जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्वंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी, जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है, जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सी हो गए, जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे, जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है, जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया, जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है, जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिग्मनी के रूप में विवेक है, जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है, जो कि एक चोर होंगे, जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना
मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। आज मैं आपको अरनमाई 3 मूवी की कहानी और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म अरनमाई 3 को नाटकीय रूप से 14 अक्टूबर 2021 को आयुध पूजा के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म दिग्गवंत अभिनेता विवेक की रिलीज को चिन्हित भी करेगी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिलीजुली हुई और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें सामान्य एक्शन सीक्वेंस, पुराने प्लॉट्स, कलाकारों की टुकड़ी, खलनायक और मुख्य अभिनेता की स्क्रीन स्पेस भी शामिल थी। लेकिन राशि खन्ना के प्रदर्शन और स्कोर को जमकर प्रशंसा मिली। नकारात्मक समीक्षकों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के तौर पर घोषित की गई और यह 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तथा अधिक लाभदायक तमिल फिल्मों में से भी एक मानी जाती है। इस फिल्म की घोषणा जनवरी 2020 में ही हो गई थी। शूटिंग फरवरी में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और रिलीज में काफ़ी देरी देखने को मिली। फिल्म का भाषा तमिल, हिंदी और तेलुगु होगा। बजट इस फिल्म का 22 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50 करोड़ इसने कमाए। इस फिल्म की कुल लंबाई 155 मिनट होगी जबकि रिलीज की तारीख 14 अक्टूबर 2021 होगी। वितरण इसे रेड जाइंट मूवीज के द्वारा किया गया है। इस फिल्म के संगीत सी सत्य के द्वारा है जबकि संपादन इसे फेनी ओलियर के द्वारा किया गया है। आगे इस फिल्म की ढालना के ऊपर नज़र डालेंगे। रवि के रूप में सुंदर सिंह हो गए जो कि हेमा के पति और शालू के पिता, जो सत्य की माँ खोज के लिए ज्योति की मदद करते हैं। सर्वानंद के रूप में आर्य होंगे जो कि एक इलेक्ट्रिशियन होंगे जबकि ज्योति के प्रेमिका के तौर पर। ज्योति के रूप में राशि खन्ना है जो कि सर्वानंद की प्रेम की रुचि रखती है, जिसे राजशेखर और ईश्वरी की बेटी भी माना जाता है लेकिन वास्तव में ईश्वरी के मृत्यु के बाद गुप्त रूप से उसे अपनाया गया था। ईश्वरी आत्मा राजशेखर की दिग्वंती पत्नी के रूप में एंड्रिया जेरेमिया जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है। हेमा के रूप में साक्षी अग्रवाल है जो कि रवि की पत्नी और शालू की माँ है। सिगमनी के रूप में विवेक है जो एक असफल राजनेता है। अभिषेक के रूप में योगी बाबू है जो कि एक चोर होंगे जबकि सर्वानंद का दोस्त के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा अभिषेक के रूप में योगी होंगे। मैना मंदनिनी मयानवती के रूप में होंगे संपतराज राजशेखर एक जमींदार और सरला का छोटा भाई। नलिनी सरला के भूमिका में होंगी जबकि शालू के रूप में ओवी भंडारकर होंगे। काली के रूप में विचू विश्वनाथ अभिनेता इसमें दिखाए गए हैं। एक्शन मूवी के रिलीज के बाद जनवरी 2020 में सूत्रों ने यह दावा किया कि सुंदर की अगली फिल्म दोनों ही अरनमाई और अरनमाई 2 की सफलता के बाद अरनमाई फिल्म शक्ला के लिए अपनी तीसरी किस्त भी बनाने का फैसला करेंगे। उसी महीने यह बताया गया कि सन पिक्चर्स इसका निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाद में सुंदर ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण अवनी सिनेमैक्स और खुशबू प्रोडक्शन हाउस में करेंगे। उन्होंने जनवरी 2020 में शुरुआत में ही फिल्म के लिए कास्टिंग का काम शुरू कर दिया था।